हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी फेस की क्लीनिंग, और ये वीडियो एक दिन पहले की है तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑनियन की फेस क्रीम, जो कि वाओ स्किन साइंस की है, बहुत अच्छी है। मैं डेली यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। वाओ के प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छे हैं। और कंपनियों के मैं यूज़ की हूँ, ये नहीं मैं नहीं की हूँ। तो मुझे एक दो कंपनी के प्रोडक्ट सब सूट करते हैं, हर किसी के शूट नहीं करते हैं। तो वाओ की एकदम नेचुरल है, बिना केमिकल के हैं। तो इसी यही कारण है कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर अब मैं यूज़ कर रही हूँ यूवी वाटर सनस्क्रीन, जो कि वाओ की ही है, और ये स्प्रे फॉर्म में आती है। तो ये बहुत ही अच्छी है, लगाने के बाद इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है चेहरे पर। चेहरे का जैसे किसी के ऑयली स्किन है या फिर किसी का शूट नहीं करती है क्रीम, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप बाय कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं होली पर कहाँ कहाँ गई। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और एक और बात शेयर करूँगी, सच में यार दूर रहकर इंसान जितना प्यार रहता है ना, उतना पास रहकर नहीं रहता। मैं आप लोगों से बात, ये बात सच है, हम जितना पास रहते हैं उतना लड़ाई झगड़ा होता है हम लोगों के बीच, लेकिन दूर रहने के बाद इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और एक दूसरे की कमी भी महसूस होती है। तो यही सारी बात अब मेरी लाइफ में धीरे 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 तो मतलब कुछ तक तो सही हो गया है। बस यही है कि जो केस वगैरह चल रहा है और थोड़े से हस्बैंड थोड़े सही हैं, थोड़े और सही हो जाए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। कहते हैं हस्बैंड से ही दुनिया होती है, तो बस वही है। तो अब मैं बस यहाँ पर बाल वगैरह बना लूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे, मतलब होली वाले दिन। आज होली तो नहीं है और मैंने होली और शाम को आज मुझे जाना था मार्केट भी। तो आप लोगों को मार्केट वाली वीडियो मैंने कल शेयर कर दी और ये वाली क्लिप रह गई थी, तो मैं आज शेयर कर दे रही हूँ। तो मतलब ये मार्केट रात के जाने से सुबह की ये वीडियो है, तो मैंने सोचा आज शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों के साथ। वीडियो बन गई तो शेयर कर दे रही हूँ। और होली वाले दिन बहुत अच्छा लगा, पूरी फैमिली के साथ हमने होली खेली और बहुत अच्छा लगता है। सबको पता है कि मेरा नेचर कैसा है, क्योंकि मेरा नेचर है कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलती हूँ। मैं किसी की गलत चीज़ पर कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंसान मेरे से फिर अपना ही क्यों ना हो, गुस्सा हो जाए, बोलना छोड़ दे, सब कुछ कर दे, लेकिन मैं गलत चीज़ का कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो फिर सबको पता है, तो ये नेचर अब सब लोग मेरा जान गए हैं कि ये गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी। अगर इसकी नज़र में ये चीज़ गलत है तो ये सपोर्ट नहीं करेगी। और ये बात मेरी मदर इन लॉ, मेरी फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सभी जानते हैं कि मैं सच को सच ही बोलती हूँ, चाहे मुझसे कोई कितना भी गुस्सा हो जाए, मेरे अपने ही मुझसे दूर चले जाएँ, बट मैं सच को कभी पीछे नहीं हटती। तो आप लोगों को पता है कि कोई गलती अगर मेरे हस्बैंड से भी होती है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनसे गलती नहीं हुई है। हाँ, उनसे गलती हुई है तो हुई है, मैं ये बात बोलती हूँ। गाइस, ये है होली वाले दिन की क्लिप, और यहाँ पर मैं, हस्बैंड और दीयू हम जा रहे हैं अपनी सासू माँ के घर पे। अकेली मैं इसके वजह से नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ। फिर अकेले जाना ठीक भी नहीं है, बहुत सारी होता है ना, डर बैठ जाता है, एक बार तो बैठ ही जाता है। तो मैं इसी कारण से अपने हस्बैंड को लेकर गई थी, मैंने कहा तुम चलोगे तभी जाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग होली के लिए गले मिल रहे हैं और काफ़ी सारे रंग यहाँ पर नीचे डले हुए हैं। होली अब पहले के अकॉर्डिंग होली अब बहुत कम खेलते हैं लोग, मतलब बुरा मान जाते हैं बहुत सारे लोग अगर कलर लगा दो तो। लेकिन पहले होली बहुत अच्छी तरह से खेलते थे, कोई भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। और मथुरा में तो अभी भी बहुत अच्छी तरह खेलते हैं, बहुत तरह की होली होती है मथुरा में, लट्ठमार होली, फूल वाली, बहुत तरीके की होली खेली जाती है मथुरा में। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और दीयू जा रहे हैं आगे आगे, क्योंकि दीयू तो जाती रहती है अपनी दादी के घर पर, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ, मैं कम ही जाती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। फिर मैं ये बोलती हूँ अगर प्यार दूर रहकर प्यार बन रहा है तो दूर रह के ही प्यार बनाते रहें हम लोग, तो ज़्यादा बेटर है। और अब यहाँ पर मैं और दीयू जा रहे हैं,
और उसके बाद हम लोग दादी ना अपने सास के घर पर जाऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से उन्हीं के घर पर जाकर। सो गाइस यहाँ पर हम अपनी सास के घर से आ गए थे, तो मैंने ज़्यादा क्लिप शूट नहीं करी क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। अगर मैं बड़ों की रेस्पेक्ट करती हूँ तो ये मेरे मेरी हॉबी है कि मैं ना अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करती हूँ मेरे अंदर से। ये मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चाची सास के घर पर, और आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी, उसके पीछे एक रीज़न है। मैं सिर्फ उर्मी तिवारी के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि उन मैडम को ज़्यादा बोलने की आदत है और मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा बोलना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ज़्यादा मैडम बोलती हैं कि हमें प्रूफ दिखाना। तो एक बात बता दूँ, इंसान गलत है या सही है ये आप नहीं जानती हो, मैं जानती हूँ। और सेकंड नंबर, अगर कोई चीज़ शॉर्ट आउट हो रही है तो करना बेटर रहता है क्योंकि अपने ही काम आते हैं, और जब सामने वाला और मैं झुक जाऊँगी तो सामने वाला भी झुक जाएगा। और यहाँ पर मैं चाची सास के घर पर चाय पी रही हूँ। और मैं एक और बात बोलूँगी, अगर मैं बड़ों की इज्जत करती हूँ, इस चीज़ को मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है या प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मेरी फैमिली नहीं हो। तो मैं उर्मी तुम्हारी मैडम आपको क्यों दिखाऊं कि मैं गई थी या नहीं गई थी या क्या था या क्या नहीं था। तो छोटी सी क्लिप सिर्फ उनके लिए एक चांटा टाइप है क्योंकि वो ज़्यादा बोलती हैं, तो उनके मुंह पर ये तमाचा है। तो ये मैडम आप समझ ही गई होंगी कि मैं गई थी और आपने देख ही लिया। तो यहाँ पर मेरी ननद ने, मतलब मेरी चाची सास की बेटी ने बनाई है चाय, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। और आप लोग मेरी जो प्यारी प्यारी फैमिली है, जो मैं उन लोगों से नहीं बोल रही जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर उन लोगों से बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग तो पता ही है कि मेरे को कितना सपोर्ट करते हैं, मेरी खुशी में खुश होते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं, तो वो लोग से नहीं बोलूँगी मैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं चाय वगैरह पीने के बाद आप लोगों से घर पर जाके बातें करूँगी, ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं करूँगी। चाचा वगैरह है यहाँ पर, हस्बैंड है, जेठ वगैरह आए थे, जेठानी वगैरह थे, तो यहाँ ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी, पर घर पर जाके आप लोगों को क्लियर बात करूँगी जो मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है होली, तो कल मेरी कोई मतलब कि अभी मैं आई हूँ अपनी सासू माँ के घर से। जैसे कि आप लोगों ने, मैंने बोला ही था कि मैं जाऊँगी, पर पता है जाकर मुझे इतना मतलब रोना आया ना कि सच में यार। और ऊपर से मैंने टिकटॉक देख रही थी, मैं भी टिकटॉक, तो क्या हुआ था टिकटॉक में है ना, सब लोग अपनी जर्नी डाल रहे थे, किसी ने अपना बच्चा लॉस करा है, किसी ने अपना हस्बैंड लॉस करा है, किसी ने अपनी वाइफ लॉस करी है। सच में उन्हें देख के मेरे आंखों में मतलब मुझे किसी का दर्द नहीं देखा जाता है, मतलब कोई दर्द उनमें हो ना सामने वाला तो मुझे बहुत जोर का रोना आता है। और तो मैं बस उनकी जर्नी देख रही थी, सच में इतना रोना। भगवान किसी को अगर दे दुनिया में तो किसी को किसी से छीने नहीं, हस्बैंड दे तो हस्बैंड किसी का नहीं ले, किसी का अगर किसी को बेबी दे तो बेबी नहीं ले, और किसी को क्या बोल दे वाइफ दे तो यार प्लीज़ किसी की लाइफ भगवान ऐसा करे नहीं। और आप लोगों को शायद पता ही होगा कि देने के बाद जब लेता है ना भगवान तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। और चाय पी थी, मटरी खाई थी और साखे बनाए थे, फिर जिठानी आई थी, तो जिठानी ने जेठ जिठानी की देखिए क्या हालत कर दी है, मतलब सिर में उन्होंने कलर भर दिया, चेहरे पर तो छूट जाता है बट सर में नहीं छूटता है, और इसीलिए और सोच रही हूँ कि मम्मी के यहाँ चले जाऊँ। सच में यार रोना आ रहा है, मम्मी के यहाँ कितने दूर हो जाते हैं ना अपने माँ बाप शादी के बाद, सच में बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने मम्मी पापा को। तो
वहीं जाऊंगी, मम्मी ये सोच रही हूँ जाऊं नहीं जाऊं पता नहीं है। अकेले तो नहीं जाऊंगी, हस्बैंड जाएंगे तो जाऊंगी नहीं तो नहीं जाऊंगी। अकेले ना इस टाइम सब लोग ड्रिंक, कई लोग ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं तो फिर वो गली में उधम मचाते हैं, तो वो ठीक नहीं रहता है। और वैसे मैं पता है वीडियो नहीं बना रही थी, थोड़ी बहुत मैंने बस वही शूट करी, तो चाची ने मना कर दी शूट करने की। क्यों, उसका एक रीज़न था कि पहले चाची ने एक वीडियो बनवाई थी, काफ़ी कॉपरेट करा था, तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे जो कि चाची को हर्ट करे हैं। देखिए आप लोग मुझसे बोल लो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी फैमिली को मत बोला करो यार, उनको वो इतना कॉपरेट करती हैं, इतना कॉपरेट करती हैं चाची, या सब जो भी कॉपरेट करता है प्लीज़ उसे उन्हें गलत मत बोला करो। अगर उन्हें गलत बोलते हो ना तो बुरा लगता है यार। तो मेरी शादी होकर आई थी तो मेरी चाची सास के घर पे ही आई थी, आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया था, चाची के घर पे आई थी। देखिए मेरे से कुछ भी बोल लो यार प्लीज, फैमिली उन चाची सास वगैरह से कुछ मत बोलो, उन्हें बुरा लगा यार। आप मतलब हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता ना, कि किसी की कोई ठीक नहीं है नेचर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी सामने वाले की भी ठीक ही नहीं होंगी। चाची मेरी बहुत अच्छी है। और मैं पता है वीडियो शूट क्यों नहीं करी आपको पता, उसका एक रीज़न है कि चाची ने तो मना कर दी थी कि मत करो अभी, क्योंकि फिर आप लोग भले वो लोग कमेंट करते तो अच्छा नहीं लगता। तो और इसके बाद एक और चीज़ थी कि एक कमेंट आया था मेरे से कि दिखाना, देखो हर चीज़ मैं ना दिखाना नहीं चाहती। मैं गई थी अपनी सास के यहाँ, अपनी मेरा फर्ज था, मैं बड़ी है वो आके पैर छूने का, तो वो तो मैं गई थी, तो ये हर चीज़ प्रूफ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं गई थी या नहीं गई थी, मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और दिया गई है अपनी बाबा और अम्मा के साथ, आप लोगों को पता है दीपावली पे मेरे ददिया ससुर के भाई खत्म हो गए थे, आप लोगों को पता है हमारे दीपावली नहीं मनी थी, तो ये त्योहार है पहला, तो पहला त्योहार है, तो वो फिर वहीं पर गई हुई है। सच में रोना आ रहा है, कितनी अच्छी लगती है ना जब जॉइंट फैमिली एक साथ रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से रहे, सबकी इज्जत हो, सब लोग प्यार करें। और पता है मैं अपनी नंद से गले मिली ना, तो उनका चश्मा मेरे जैसा ही था, और मैं जैसे जोर से, मैं वो थोड़ी सी हेल्थी है, मतलब मेरे से थोड़ी सी हेल्थी है। अब उस पर है ना वो क्या बोलते हैं कॉमेंट करने, पता नहीं किसने कॉमेंट करा था परसों, तो हेल्थी है तो वो हेल्थी है, ठीक है हेल्थी है, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमेंट करने बैठ जाओ कि मोटी मोटी नहीं, मतलब मोटी नहीं होता, कुछ लोग फिट है, फिट होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, सब तरह की दुनिया होती है, इसमें मोटा पतला कुछ नहीं है, जो है थोड़ा सा वेट है उनका। तो उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने उनको गले लगाया, जो देखे पूरा ये मेरा जो ये है ना जो ये सारा उन्हीं ने कर दिया है, तो जैसे गले लगा तो मैंने जोर का गले लगा, उनका चश्मा टूट गया और मेरे से, तो ये चश्मा मतलब कि वो चश्मा टूट गया। तो मैं और पता कमेंट करता देखा, एक कमेंट आया था देखूंगी कि आप जाओगे कि नहीं आओगे, तो देखिए ये कोई प्रूफ करने की बात नहीं होती है, ठीक है लड़ाई झगड़ा अलग होता है, त्योहार पे मिलना, किसी के घर पे जाना, बड़े बड़े बूढ़ों के यहाँ तो हमेशा ही जाना चाहिए, तो लड़ाई झगड़ा अलग होता है। और ये होती है रेस्पेक्ट, मतलब जो मेरे मम्मी ने और मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि बड़े बूढ़ा चाहे तुम्हें मार ले पीट ले कुछ भी कर ले, लेकिन तुम एक बार को झुक कर तो देखो, शायद वो पिघल जाए। एक और बात बताना मैं आप लोगों को भूल गई थी कि मैं चाची सास के घर पे थी, तो मेरे जो सब्सक्राइबर है कुसुम बुद्धा, वैसे कई सारे सब्सक्राइबरों पे मेरा नंबर है, और तो उनकी कॉल आई थी, तो उस टाइम मैं अपनी चाची सास के घर पे थी और दीयू थी अपनी दादी के घर पर, तो उन्होंने मेरी चाची सास से बात करी, तो आपको पता चल गया होगा मेरी चाची सास बहुत अच्छी हैं बोलने में, बात करने में, नेचर भी उनका बहुत अच्छा है, प्लस वो सपोर्टिव है, बहू को बहुत प्यार करती हैं, मुझे भी करती हैं, ये नहीं कहूँगी मुझे नहीं करती, मुझे भी करती हैं, कभी कभी जब मुझे गुस्सा आती है तो मैं अपनी चाची सास से लड़ भी जाती हूँ, वो ना फिर भी चाची मुझे मतलब मुझे क्या किसी से भी गुस्सा नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो कहती हैं बच्चे ही तो हमारे बच्चे, अगर हमसे कुछ कह लेंगे तो गलत थोड़ी ना। तो चाची सास के बारे में प्लीज़ कोई कॉमेंट मत करना के लिए मेरे से उस दिन, मुझे तो मैं कमेंट भूल गई थी, बट चाची कह रही थी कि कमेंट आया था, तो चाची पढ़ती है कमेंट, तो प्लीज मेरी चाची के लिए कुछ मत बोलना। और सासू माँ के घर पे मैं अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी सासू माँ ने वो बनाए हैं दाल वाले, मुझे बनाना आते तो है बट मैंने अकेले कभी नहीं बनाए हैं, ज्वाइंट में ही रही हूँ तो ज्वाइंट की आदत है, तो उन्होंने बनाए वो लेकर आऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मेरा अंदर से रोना आ रहा था ना, इसलिए मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो क्योंकि अब मैं वहां पर रही हूँ तो मुझे उस घर से थोड़ा सा लगाव है। लगाव क्या है, मैंने ही, मेरे सामने ही सब कुछ हुआ, मेरे शादी के बाद वो घर बना है, सब कुछ मैंने किया है, तो थोड़ा सा वो होता है ना। और कुसुम बुद्धा ने मेरी चाची सास से बात करी, कमेंट करके बताना कैसे लगी आपको बात करने में,
और थैंक यू आपने कॉल करी, तो लव यू डियर। वैसे वो कल उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी बातें करी थी। एक हो जाता ना बहुत पुरानी है, जैसे नंदिनी अग्रवाल कॉल करती है मेरे पास, और तरुणा पम्मी ब्लॉग्स करके उनका चैनल है वो भी कॉल करती हैं, और कई सारे करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग से उतर जाता है, मैं भूल जाती हूँ। तो इन लोगों की कॉल आई थी, एक माधुरी जोशी दीदी हैं वो भी मेरे पास कॉल करती हैं, और वो तो मेरे कई सारे लोग हैं तो मैं भूल जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार करते हो दिल से। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पर मैं आ गई थी इवनिंग में, और देन उसके बाद मैं यहाँ पर खा रही हूँ आइसक्रीम, और अभी मुझे जाना है, जैसे कि आप लोगों को बताया ही है, मैं जाऊँगी अभी मदर इन लॉ के घर पे, उन्होंने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। जब वो बुला रही हैं, अगर उनको कोई काम पड़ता है तो मैं मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो मतलब मेरे से मना नहीं होती है किसी के काम की, चाहे कोई भी हो। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड कर दूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।